नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। हर इंसान चाहता है कि शेयर बाजार से बड़ा पैसा कमाए, बिग मनी। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब बड़ा पैसा कमाओगे। लेकिन लोग करते क्या है कि बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में छोटे छोटे ऐसे काम करते हैं कि अच्छा भी उनका पोर्टफोलियो चल रहा है, शेयर मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल भी है, तो भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 10 नियम, 10 ऐसे रूल्स कि जिनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल है बड़ा पैसा कमाना। और अगर इन 10 रूल्स को फॉलो करोगे तो आप बड़ा पैसा कमाने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा, शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के कौन से हैं 10 नियम। नियम नंबर एक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रीम एंड बिलीव। पहले तो आप सपने देखो, बड़े सपने देखो। बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा सपना देखना पड़ेगा ना। उस बड़े सपने को देखो और उस सपने में विश्वास करो। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, दो बार क्रिएट होती है। पहले तो आपकी इमेजिनेशन में क्रिएट होती है और उसके बाद वो सच में बनती है। मतलब जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया के इतने बड़े बड़े वंडर्स जो आज देख के हमें लगता है कि इंसान ने ये चीजें कैसे बनाई, वो बनाने के लिए पहले उस इंसान ने उसका ब्लूप्रिंट बनाया, उसको लेके वो एक आर्किटेक्ट के पास गया, वो सब काम किए, तब कहीं जाके वो चीज सचमुच में बनी। चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे। शेयर मार्केट की जर्नी भी ऐसी ही है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो 2 दिन में तो बड़ा पैसा बनेगा नहीं, अनलेस के आप ट्रेडिंग में बहुत लकी हो जाए। ये जो पूरा वीडियो हम बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कैसे कमाएंगे, उसके लिए रूल नंबर वन ये है दोस्तों। पहले आपको सपने देखने होंगे बड़े और अपने सपने में विश्वास करना होगा। आपके सपने ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो कि पॉसिबल हो। एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ अगर आप पकड़े 20, 25, 30, 40%, जो कि कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है, मल्टीबैगर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट की जर्नी ऐसी है कि आप बोलो कि मैं अपने पोर्टफोलियो को 1 करोड़ का बनाना चाहता हूं तो लोग आप पे हंसेंगे। कई लोग तो शेयर मार्केट को सही चीज ही नहीं समझते। लेकिन उन सब नए शेयर्स को आपको दूर हटाना होगा अपने दिमाग से, और फोकस, एक घोड़े वाला फोकस चाहिए आपको अपने ड्रीम के ऊपर, और अपने ड्रीम के ऊपर विश्वास करो। आपको अपने सपने के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि लोग भी विश्वास करने लगे एक दिन, कि जब भी आप उनसे बात करते हैं इसी बारे में बात करते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये एक इंसान ऐसा है जो अपने सपने पूरा करेगा। चाहे आपका सपना 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, आपको डिफाइन करना है कि आपके लिए बिग बनी, बड़ा पैसा क्या है। और देखिए, प्राइवेट जेट हो या कोई लग्जरी कार हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपने ड्रीम कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए। तो चलिए बढ़ते पॉइंट नंबर टू, ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। हाँ दोस्तों, क्या होता है हमारी शेयर मार्केट की जर्नी में, देखिए बहुत ही कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने तो आपको बहुत डाउट भी होगा, लेकिन अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को छोड़ते जाएंगे तो फिर कैसे आप बड़ा पैसा कमाएंगे। बड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जब भी आए उसको ग्रैब करो। थोड़ा रिस्क हमेशा होगा, बिना रिस्क लिए बड़ा पैसा तो कमाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। एक ये कहावत है स्टॉक मार्केट में, जैसे एक हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट ने बोला, बी ग्रेडी वेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब क्या होता है दोस्तों, जब शेयर मार्केट गिर रही है, बहुत जोर से गिर रही है, हर कोई डरा बैठा है, हर कोई डर के मारे अपना पोर्टफोलियो बेच रहा है, वो समय शायद ऐसा होता है दोस्तों जिस समय आपको ग्रीडी होना है, जिस समय आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। और कई इन्वेस्टर्स का तो ये भी कहना है कि उस समय अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सब कुछ बेच बाज के भी पैसा लगा दो। लाइफ में हर 6-7 साल में शायद मार्केट एक या दो बार ऐसा मौका देती है कि सब कुछ बेच कर भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दोगे तो शायद दोगुना तिगुना आपका पैसा 2-3 साल में हो जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी जब वो मिले, जब हर इंसान रोने लगे, देखिए एक कहावत है कि जब हर इंसान बोलने लगे अरे यार मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ऑटो वाला भी, रिक्शे वाला भी, सड़क पे बैठा भिखारी भी, तब समझ लो कि मार्केट जरूर से ज्यादा चढ़ गई है। और जब हर इंसान डर की बात करे कि यार मार्केट इतना गिरती जा रही है, बैंड बजने वाला है, जब वही सब लोग
ये आपसे बोले कि सर ये मार्केट में तो पैसा डूब रहा है, जब हर इंसान ये बोले तो उसका मतलब है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। शायद आपके इन्वेस्ट करने के बाद भी 2-4-5-10-20% गिरे, लेकिन चढ़ेगा बहुत ज़बरदस्त। जब कोविड का फॉल हुआ था दोस्तों, वहां से अब तक मार्केट, पूरी मार्केट ही 3 गुना हो गई है 3 साल के अंदर, और कई कई शेयर्स तो 10-10 गुना हो गए हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिले मत छोड़ो उसको, और कोई कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी कि सारा पैसा डाल दो उसमें, और नहीं तो कम से कम जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको छोड़ना मत। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। दोस्तों मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए आप अच्छे अच्छे 100 शेयर्स खरीद ले, 10 म्यूचुअल फंड खरीद ले, तो कभी बड़ा पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। बड़ा पैसा बनाना है तो आपको बड़े सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, थोड़े से शेयर्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो शायद आप केवल 4-5 शेयर्स खरीदिए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 10-12-15 शेयर्स खरीदिए। मेरे को लगता है कि 15-20 शेयर्स भी ज़्यादा है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो 6-7 शेयर्स बढ़िया बढ़िया पकड़िए, जिन पे आपको पूरा विश्वास हो, आपकी पूरी रिसर्च हो। अपनी चॉइसेस को लिमिट कीजिए। हाँ दोस्तों, 7,000 शेयर्स में से 7 शेयर्स आपको ढूंढने हैं, तो वो ढूंढने के लिए आपको करनी पड़ेगी जबरदस्त मेहनत, जबरदस्त बिलीफ और बहुत सारा होमवर्क। लेकिन जब 7 शेयर्स आपके पास होंगे, मान लीजिए 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 7 शेयर्स हैं, हर एक शेयर में आपने 12-12 लाख, 13-13 लाख रुपए लगाए हैं, तो उनमें से कोई शेयर 10 गुना होगा, तो फिर आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं पैसा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, थोड़े से एग्स की, डोंट कीप योर एग्स इन वन बास्केट, लोग बोलते हैं, थोड़े से एग्स रखो एक बास्केट में रखो और उसको वॉच करते रहो, वॉच योर बास्केट, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता बड़ा पैसा। कुछ भी 100 शेयर्स लेके, 30-40 शेयर्स लेके बड़ा पैसा नहीं बनेगा आपका। उसमें भी जो शेयर आपका ज़्यादा बिलीफ वाला है उसमें और ज़्यादा डालिए, है ना। हो सकता है कि आपके पास 10 शेयर्स हो, उनमें से एक शेयर में आपका 40-50-60% एलोकेशन भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, नो टिप्स फ्रॉम स्ट्रेंजर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आपको कोई भी टिप एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर से मिल रही है, तो पहली बात तो है वो मिलनी ही नहीं चाहिए। आपने कुछ ऐसे चैनल्स ओपन किए हुए हैं कि स्ट्रेंजर्स लोग आगे आपको एडवाइस देते हैं, तो बिल्कुल भी स्ट्रेंजर्स की टिप आप यूज मत करें, क्योंकि हमेशा वो किसी और के फायदे के लिए होती है, आपको स्कैम करने के लिए होती है, कितनी भी बिलीवेबल लगे। और जान पहचान वालों से भी अगर कोई टिप मिल गई आपको या स्ट्रेंजर से मिल जाए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपको टिप मिली, जो भी आपको शेयर का नाम मिला, उसको आप अपने फ्रेमवर्क में डालिए, आप अपने एनालिसिस कीजिए उस पे, उसके बाद अगर आपको विश्वास हो तभी उस चीज़ में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका शेयर, आपके पोर्टफोलियो में एक खराब शेयर आ जाएगा और आपके पास 7 में से एक खराब कैसे ले सकते हैं ना आप। तो बिल्कुल स्ट्रेंजर से टिप मत लीजिए, जो भी आपको अच्छे सोर्स से भी टिप मिले उसमें अपने रिसर्च कीजिए, अपने एनालिसिस कीजिए, अपना रिजेक्शन क्राइटेरिया बनाइए। हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन से शेयर्स मेरे को नहीं लेने हैं। 7,000 में से 10 शेयर्स आपको लेने हैं तो रिजेक्शन क्राइटेरिया बनाना बहुत आसान है दोस्तों। 99% शेयर्स आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 7,000 में से 99 रिजेक्ट कर दिए ना, तो भी आपके पास 70 शेयर बचेंगे। तो कुछ शेयर्स तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे एक आंख देख कर ही। नो टिप्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। पॉइंट नंबर 5, एजुकेट योर सेल्फ। हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, वो आपके लिए इतना ही जरूरी है, तो आपको शेयर मार्केट तो सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े लिखे आपको टिप्स ले लेकर ही बड़ा पैसा बना ले। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए कमाने के लिए केवल लोगों से टिप्स ले लेके कमाया। बहुत लोगों ने कमाए हैं दोस्तों, शायद शुरू में 2-4 तुक्के भी लग जाए आपके, लेकिन अगर सही में आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको शेयर्स की एनालिसिस, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। शेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, शेयर्स की क्या वैल्यू है, फंडामेंटल्स क्या हैं, और थोड़ा बहुत एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं शेयर्स की, इन्वेस्टर्स मीटिंग कॉन्फ्रेंस कैसे सुनते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, घबराइए मत, धीरे धीरे आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन से आपको पता होना चाहिए, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको ये सब आना जरूरी है। ये समझ लीजिए, जब आपके पास, मान लीजिए आपके लिए बड़ा पैसा का मतलब 10 करोड़ है, 10 करोड़ अगर आपका पोर्टफोलियो में होना है 7 शेयर्स के साथ, तो हर एक शेयर में आपका 1.5 करोड़ हो गया, राइट। जब आप 1.5 करोड़ का एक घर खरीदते हैं,
कितनी एनालिसिस करते हैं ना, कितनी एजुकेशन लाते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, लॉयर से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कराते हैं, बिल्डर का रेरा अप्रूव है कि नहीं, 70 चीज़ें आप करने के बाद अच्छे से रजिस्टर करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो यही समझ लीजिए, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है करोड़ों में, तो एक दिन एक एक शेयर आपका करोड़ों में होगा। उसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। पढ़िए, स्टॉक मार्केट पढ़ने के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, बहुत एजुकेशन अवेलेबल है दोस्तों। एजुकेट अपने आप को करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा अपने निर्णय पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे। चलिए पॉइंट नंबर 6, लेट योर प्रॉफिट्स रन। होता क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों में ये बीमारी है कि जहाँ अच्छा शेयर मिला तो वो क्या करते हैं कि जहाँ वो शेयर 50% हुआ तो उसमें से 50% कैपिटल निकाल लेंगे, 70% हुआ तो पूरी की पूरी अपनी ओरिजिनल कैपिटल निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट जब उनका होने लगता है तो वो प्रॉफिट को निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने कमाया, उन्होंने टाइटन का शेयर जब खरीदा ना, तो जैसे जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ती गई वैसे वैसे वो उसमें और इन्वेस्ट करते गए। उनके पास 16,000 करोड़ रुपए केवल टाइटन के शेयर्स थे, इसीलिए नहीं थे कि उन्होंने बस 200 करोड़ रुपए लगाए। जैसे जैसे उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती गई और पैसे डालते गए। तो आपका जो प्रॉफिट है उसको चलने दो, उसको अटकाओ मत, है ना। जो आपकी टीम में बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अगर आप टीम से निकाल दोगे या उसके एक हाथ बांध दोगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। जो आपको तो आप तो ये चाहिए कि हर इंसान को सचिन तेंदुलकर जैसा बनाओ, और जो सचिन तेंदुलकर है उसको और ट्रेनिंग दो और अच्छा बने। तो जिस शेयर में आपका बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों उसको चलने दो। ओके, कभी कभी बैड पैच आएगा, कभी कभी उसकी फॉर्म खराब होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस शेयर को निकाल दो, ठीक है। वो शेयर अपने आप चलेगा, एज लॉन्ग एज आपको उस शेयर पे स्टडी है, आपका उस शेयर पे होल्ड है, आपको समझ में आ रहा है, तो उस शेयर को बिल्कुल परेशान मत करो। कभी भी विनर को अपने पोर्टफोलियो से मत निकालो, अगर निकाला तो भूल जाओ, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 7, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर कोई ऐसा इंसान बोले कि मैं बड़ा पैसा कमाया और गलतियां नहीं की तो पक्का झूठ बोल रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप, जैसे मैंने बोला आपने 10 शेयर्स खरीदे तो 2 से गलत निकलेंगे ही निकलेंगे, और एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि वो 2 शेयर्स गलत क्यों निकले। और क्योंकि आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसका पैटर्न देखेंगे, आप फंडामेंटल्स देखेंगे, पूरी शेयर की रिसर्च में आपको समझ में आ जाएगा जो शेयर फिसड्डे निकला वो क्यों निकला। एक शेयर के बारे में ऐसा होगा और एक शेयर में आपकी किस्मत ही खराब होगी। मान लीजिए कंपनी के साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई या फिर मैनेजमेंट फ्रॉड निकल गया। वैसे मैनेजमेंट का फ्रॉड भी आप पकड़ सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड से, लेकिन आपको करना ये है कि जो जो भी आपकी गलती होती जाए, एक नोटबुक बनाइए दोस्तों, एक अच्छी सुंदर सी नोटबुक, जैसे मेरी नोटबुक है, एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में अपने रूल्स लिखिए, और जब भी कुछ गलती हो तो उस गलती को नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, और बस ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो रूल आपने बनाया अगली बार वो रूल ब्रेक ना हो। कई सारे आपको रेडीमेड रूल इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। मैं आपको 10 रूल्स दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 रूल्स आपके लिए एनफ हैं, नहीं दोस्तों, आपको अपने रूल बनाने हैं क्योंकि आपका अपना स्टाइल है। हो सकता है मेरे को मान लीजिए ईवी के शेयर पसंद आ रहे हैं, मेरे को शायद आईटी के शेयर पसंद आ रहे हैं, आपको शायद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप अपने हिसाब से अपने शेयर खरीद के करोड़पति बन सकते हैं। बड़ा पैसा कमाना है दोस्तों तो गलतियां तो होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीख कर हर एक गलती के ऊपर एक रूल बना के जब आप आगे बढ़ेंगे इस शेयर मार्केट की यात्रा में, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो हर एक गलती का एक रूल बनाइए दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ दोस्तों, जैसे पिछले ही पॉइंट में मैंने बोला कि हर शेयर के हर आपको अपने रूल्स बनाने हैं, राइट। अब गलती तो होगी, मान लो गलती हो गई, आपको दिख रहा है कि ये खिलाड़ी मेरी टीम में खराब है और मेरे पास केवल 11 लोगों की टीम में जगह है, तो क्या एक आप खराब खिलाड़ी को अपनी टीम में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, उठाकर बाहर फेंक दो उसको। शायद उसमें पोटेंशियल था, राइट, शायद वो अच्छा कर सकता था, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है
कि आप एक खराब खिलाड़ी को जिंदगी भर चांस देते रहे। ठीक है, आपने आपको बिलीव था उसमें, आपके एनालिसिस बिलीव था, आपने थोड़ा चांस दिया उसको, कुछ समय रखा, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। तो आप डीप में जाएंगे ना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि वो चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अच्छा शेयर ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई आपका एनालिसिस पॉइंट, हो सकता है उसकी ईपीएस कम हो सकता है पी बहुत ज़्यादा हो, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे समझ में आ जाएगा कि क्यों कि एक शेयर क्यों नहीं चल रहा है। जैसे ही आपको समझ में आया कि ये शेयर शायद मैंने गलत खरीद लिया था, मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है, नया रूल बनाइए, शेयर को किक इट आउट। और हमेशा दोस्तों, जब भी आपका पोर्टफोलियो, मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स हैं, तो 6-7 शेयर्स मेरे पास हमेशा तैयार रहते हैं कि इनमें से कौन सा शेयर मेरे को खरीदना है। लेकिन मेरी इंटरनल कंडीशन ये होती है दोस्तों, अगर उस शेयर को अंदर लाना है तो किसी एक को निकालना होगा, क्योंकि मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता अपने पोर्टफोलियो में एक एक शेयर की होल्डिंग। ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, 10 शेयर, जितने भी शेयर का आपका पोर्टफोलियो, 10-15 मैक्सिमम 20, मेरे हिसाब से तो बड़ा पैसा कमाने के लिए 10 से कम शेयर्स आपके बड़े पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और उसमें आप एक एक शेयर को ध्यान से रखो, और हमेशा आपके पास 3-4-5 शेयर ऐसे होने चाहिए आइडेंटिफाई किए हुए कि इस शेयर को अंदर लाना है। मतलब एक खिलाड़ी आपके पास तैयार है अंदर आने के लिए, और जो खिलाड़ी अंदर टीम में है जो खराब खेल रहा है, उसको हमेशा डर होना चाहिए कि मेरे को निकाल के उसको ले लेंगे। चलिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 9, फाइंड अ मेंटोर। हाँ दोस्तों, होता क्या है कि अब मैं स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के साथ ये आता है कि उनको मेंटर नहीं मिलता। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनमें से भी दोस्तों कई सारे एडवाइजर्स अपने मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपनी कमीशन बनाते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई इंसान सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है तो गारंटी नहीं है वो आपका भला चाहता है, क्योंकि इतने कम वो लोग होते हैं, उनको अपनी कमीशन बनानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब खराब है, आपको बेसिकली अच्छा इंसान एक ढूंढना है, एक मेंटर, एक दोस्त, एक कंसल्टेंट, है ना। शायद आप में आपको उसको कुछ फीस भी पे करनी पड़े, कंसल्टिंग की करनी पड़े तो कीजिए। कोई अपना ऐसा दोस्त बना लीजिए जिस इंसान को शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज हो, एक दो तीन चार, तीन चार दोस्त भी हो सकते हैं। बेसिकली आपको ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ आप बिंदास अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सके, अपने गोल्स डिस्कस कर सके, और वो आपको आपके भले वाली फीडबैक दे। तो ऐसे में दोस्त बहुत काम आते हैं, क्योंकि उनको आपसे कोई फीस नहीं लेनी, लेकिन वो दोस्त नॉलेजेबल होना चाहिए। या कोई आपको ऐसा ग्रुप मिल जाए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आज की डेट में जो कि कुछ लोग चार्ज करके भी आपको मेंटरशिप देते हैं, कर लीजिए दोस्तों। जब करोड़ों की जर्नी है, जब जैसे हम लोग एक वापस अगर हम आप एक घर खरीदते हैं, राइट, घर खरीदने के लिए आप ब्रोकर को कितनी फीस दे देते हैं ना। जब आपको रिक्रूटमेंट अपने ऑफिस में अपनी टीम में करना होता है तो रिक्रूटमेंट टीम को आप कितना कितना पैसा दे देते हैं। तो ऐसे ही कंसल्टिंग के लिए एक मेंटर अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी आपको एडवाइस मिलेगी उससे, और एटलीस्ट उसके साथ आप डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, इस शेयर को क्यों रखना चाहिए, क्यों निकाला, क्यों आप ऐसा कह रहे हो, जब इस शेयर की वैल्यू इतनी अच्छी है तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, राइट। तो एटलीस्ट हेल्दी डिस्कशन करने के लिए एक इंटेलिजेंट पर्सन आपके पास होगा तो पक्का आप बड़ा पैसा कमा सकेंगे। फाइनल पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट, ये पैसे का ढेर देख रहे हो ना आप दोस्तों, बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा लगाना भी पड़ेगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये लगाए और वो 50 गुना भी हो गए तो भी 100 रुपये का तो 5,000 ही होगा। 5,000 में आपका क्या होगा। एक तो बहुत ही विरले वो लोग होते हैं जिनको कोई शेयर 50 गुना हो जाए, है ना, 10x, 50x, 100x, लेकिन होते हैं शेयर्स, राइट, एक साल में नहीं होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में, 30 साल में। लेकिन आपको क्या करना है कि ज्यादा पैसा लगाना है, क्योंकि इसीलिए मैं बोला कि कम शेयर्स हो, ज्यादा ज्यादा अमाउंट हो। और वो ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा ये आपके ऊपर है दोस्तों, इतना पक्का है। छोटा पैसा लगाएंगे तो कभी बड़ा बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। बहुत ही लकी, जैसे कोई लॉटरी का टिकट खरीद ले, 100 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीद ले, 1 करोड़ मिल गया, करोड़ों में से एक का ऐसे होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपकी एनालिसिस पे विश्वास है, अपने शेयर आइडेंटिफिकेशन पे विश्वास है, तो जो अच्छा शेयर मिल गया उसमें बड़ा पैसा डालिए दोस्तों। बड़ा पैसा डालोगे तभी बड़ा पैसा बनेगा। रिस्क तो है, रिस्क है तो इश्क है, सच में दोस्तों ये बात, रिस्क है तो इश्क है। मतलब रिस्क लिया तो
तो कुछ बड़ा होगा, नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1-1 लाख रुपए 100 शेयर्स में डाल देते, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। 1 शेयर उसमें 100 गुना भी हो गया तो 1 करोड़ का, उस 1 शेयर में 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन उस 1 को 100 गुना होने में आपको 30-40 साल मिनिमम लग जाएंगे, तब भी हजारों में से 1 शेयर 100 गुना होता है। इसीलिए छोटे पोर्टफोलियो में बड़ा पैसा हर एक शेयर में डालिए तो आपका पैसा बड़ा होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा ये वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो बहुत ज़रूरी है, हमें ये समझना कि बड़ा पैसा कमाने के ये 10 नियम अगर हम फॉलो करेंगे तभी कहीं जाके हम कहीं बड़ा पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, प्लस ऑब्वियसली कलेक्टेड भी हैं, लेकिन एक एक चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ बोल रही है, मैंने खुद कैसे अपनी कैपिटल को बड़ा किया उस बारे में ये सब पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों फाइनली आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक स्टूडेंट टाइप का ग्रुप है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस फॉर्म के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो एक फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए आप, और बाद में क्लिक कर देना ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। शेयर मार्केट के सभी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क तो है ही। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो वीडियो में को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए और अपना शो सम लव टू दैट और फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। तो फाइनली दोस्तों, यस आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, दिस सेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, एक बार फिर से, पैसिव इनकम है, अगर आपकी डेट खत्म हो गई, आपने पैसा बचा लिया, एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने गोल्स को सेटिस्फाई करेंगे तो बड़ा पैसा आपका बनेगा। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन, आपसे लूंगा विदा और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बड़ा पैसा बनाने का। नमस्कार।